हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और ये चीज़ें मैंने बहुत पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी ये सारी चीज़ें मैं बताता आ रहा था, लेकिन आप लोग कहते थे आप तो अपने मन से ही सारी चीज़ें बताते हैं, आप अपने मन से डेट जारी कर देते हैं, आप अपने मन से बताते हैं इस तारीख को विज्ञापन जारी होगा, इस तारीख को परीक्षा होगा। भाई, कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है तभी मैं बताता हूँ, और ये आगे चल के 2-3 दिन के बाद में आखिर प्रूफ भी हो जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा विश्वास करके आप ये नहीं सोच सकते हैं कि चलिए किसी ने जानकारी कर दी है तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हुई होगी, तभी दी होगी, और देखते हैं कुछ दिन वेट करके फिर हम इनको कमेंट करते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग बस केवल सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ के और अपने मन से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। भाई, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वही बता रहा हूँ। बस हम लोगों को ना ऑफिशियल कुछ भी नहीं मिलता है बताने के, बस जानकारी इकट्ठा कर पाने किसी तरीके से। तो आप लोग ये नहीं सपोर्ट करते हैं कि चलिए कोई बंदा है, कोई भी है जो मुझे घर बैठे कोई जानकारी न्यूज़ दे रहा है, एक्सपेक्टेड है, जो चीज़ संभावित है वो चीज़ बता रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को लाइक करना चाहिए वीडियो को, तो आप लोग डिसलाइक करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक किया करें ताकि मोटिवेशन मिले ऐसे ही लगातार आपके लिए न्यूज लेकर आने के लिए। दोस्तों, आज की जो खबर है काफी ज्यादा राहत भरी है, बहुत अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों। और अगर आप अभी भी पीईटी के लिए सीरियस ना हो इस न्यूज के बाद में, तो दोस्तों आप पीईटी में सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इतना लेट किए दे रहे हैं, आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो देर मत करें, तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आप पीईटी में पहली बार में सफलता चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है। शासनादेश को लेकर, विज्ञापन को लेकर, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट यहाँ पर और साथ साथ आयोग की तरफ से जानकारी मिली है, तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। बी टॉपर चैनल की तरफ से ऑनलाइन प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दिया है। मैंने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, और आज शाम 7 बजे मैथ का मॉडल पेपर अपलोड करूंगा पीईटी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस लेवल का मैथ का प्रश्न आएगा, तो आप लोग जरूर देखिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। 7 बजे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैथ के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने हिंदी, जीके, रीजनिंग और साथ ही साथ अंग्रेजी के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, आई बटन पर लिंक दिया है, जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं सारे मॉडल पेपर। आज मैथ का अपलोड होगा। साथ साथ दोस्तों बी टॉपर की तरफ से एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया पीटी का, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज रखी गई है। इसमें कंप्लीट सिलेबस का क्रैश कोर्स है, सारे जो सिलेबस है पूरा वो चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया गया, कोई वन लाइनर का पीडीएफ फाइल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 99 रुपए की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वन लाइनर की पीडीएफ आपको कोई दे रहा हूं, पूरा सब कुछ सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट दिया गया है। साथ साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज दी गई है, इतना नहीं वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए गए। तो अगर आप बेसिक लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आप पीटी के सिलेबस को एनालाइज करके आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करूं, तो ये क्रैश कोर्स आपको बहुत मदद करेगा बेसिक लेवल की तैयारी शुरू करने में दोस्तों। इसके साथ साथ लेखपाल का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया, इसी कीमत पर 99 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा। पीटी के साथ साथ लेखपाल का भी सिलेबस मिल जाएगा, इसमें ग्राम समाज वगैरह भी दिया गया, तो देर किस बात की, अभी कभी खरीदी। लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कल इसकी कीमत 259 कर दूंगा, तो जिनको भी लेना है 99 में, अभी कल तक आपके पास टाइम है 24 घंटे का, आप तब तक खरीद सकते हैं। लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से अभी कभी बाय करो, पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई, ठीक है। और हमारे चैनल में फ्री में क्लासेस होती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर देख सकते हैं विभिन्न अखबारों के माध्यम से सारी जानकारी छपी हुई है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मुहर लग चुका है, जो सिलेबस बताया गया था, आगे मैं आपको फिर से रिवाइंड करूंगा सिलेबस क्या है पीईटी का। फिलहाल जो खबर निकल के आई वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज है शुक्रवार, फ्राइडे, आज की बात की जा रही है दोस्तों। आज इसके बारे में, यानी पीईटी के बारे में ऑफिशियल नोटिस जारी होने की संभावना बताई गई है खुद सभी अखबारों के माध्यम से दोस्तों, और ये जानकारी आयोग से ही निकल के आ रही है। क्योंकि आयोग ने इससे पहले जब ये कहा था, जब मंजूरी मिली थी पीईटी के पाठ्यक्रम को, तब ये कहा था कि अभी जो लिखित रूप से जो लेटर होता है सीएम कार्यालय
से वो हमारे तक नहीं आया है। जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक हम ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी कर पाएंगे। तो अभी तक इनका इसी का इंतजार था, और जैसे ही पीईटी का यहाँ पर सब कुछ जो कि मंजूरी मिली है सीएम की तरफ से, वो जब लिखित रूप से आयोग के पास आ गया तो यहाँ पर यह बयान जारी किया है कि अब हम ऑफिशियल जो नोटिस है वो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर सकते हैं। ये जानकारी निकल रही आज शुक्रवार को ही जारी हो सकता है। हो सकता है कि एक पहले नोटिस जारी किया जाए, सभी छात्रों को इसके बारे में अवगत कराया जाए ऑफिशियल तौर पर, हो सकता है कि सिलेबस भी साथ साथ जारी कर दिया जाए। ये जानकारी दोस्तों निकल के आ रही है कि आज यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर शासनादेश जारी होगा सीएम के तरफ से, और यहाँ पर पीटी का नोटिफिकेशन या नोटिस देखने को मिलेगा। ये जानकारी मैं काफ़ी दिन से बताता आ रहा हूँ लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता। आज आप खुद देख सकते हैं कि आज की बात की जा रही है शुक्रवार को ही, संभावना है शाम तक। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2 घंटे की होगी, 100 सवालों का प्रश्न पत्र होगा। मैं डिटेल पाठ्यक्रम भी आगे बताने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा अप्रैल मई में हो सकती है। आयोग की ओर से बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया था। जी हाँ, मैंने बताया था आपको 10 फरवरी को जब मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री योगी ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संशोधन को शामिल करते हुए आयोग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था, उसको यहां पर प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, जो दोबारा उन्होंने सिलेबस बना के भेजा उसको भी सीएम की तरफ से मंजूरी मिल गई है, और इसका शासनादेश भी आज जारी कर दिया जाएगा, और इसके चलते यूपी ट्रिपल एससी आयोग नोटिस जारी कर देगा। बात करें सिलेबस का दोस्तों, तो यहां पर यह है डिटेल सिलेबस। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। देख सकते समान हिंदी व अपठित गद्यांश के 15 प्रश्न होंगे, समान अंग्रेजी व अपठित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, गणित तर्कशक्ति ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित सवाल 30 होंगे, समान ज्ञान विज्ञान समसामयिक की घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। यानी कि अगर सरल भाषा में बात किया जाए तो 15 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न अंग्रेजी के, 30 प्रश्न में 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न रीजनिंग के, और 50 प्रश्न आपके जीके के, जिसमें आपका करंट अफेयर और जनरल साइंस भी शामिल है। मैं फुल प्रिपरेशन करवा रहा हूं दोस्तों, मैंने सारे मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, हिंदी का भी अपलोड किया है, अंग्रेजी का भी अपलोड किया है, साथ साथ गणित का भी अपलोड किया, गणित का आज अपलोड हो जाएगा 7:00 बजे, रीजनिंग का और जीके का मैंने अपलोड कर दिया। तो गणित वाला आज देखेगा 7:00 बजे वीडियो मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगा आपका मॉडल पेपर। आप जरूर देखेगा किस लेवल का, जो आपको डर बना हुआ है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी में मैथ के, तो आप लोग उसको जरूर देखेगा। और जितने भी मॉडल पेपर हो चुके हैं उसके पीडीएफ, उसका प्लेलिस्ट बना दिया, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सबसे टॉप पर मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और 7:00 बजे मैथ का भी अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, और जो मैंने क्रैश कोर्स रिकमेंड किया ये बहुत ही अच्छा, वन ऑफ दी बेस्ट क्रैश कोर्स होने वाला है। अगर आप बेसिक लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपको बहुत मदद करेगा, जैसे कि आपको जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जीके जीएस में, तो आपको पढ़ना क्या है, ये चीजें आपको भटका सकती हैं। आप सिलेबस आपको पता होना हो तभी आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर ये पूरा एनालाइज करके क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, फर्जी चीजें नहीं दी गई। लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिनको भी लेना ले सकते हैं। इसमें यूपी लेखपाल भी, लेखपाल का सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया, जैसे ग्राम समाज जो से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी बुक्स वगैरह बहुत कम अवेलेबल है, नोट्स भी बहुत कम अवेलेबल है। हमारे द्वारा इसको एनालाइज करके पूरा सारे जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ग्राम समाज के, वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया गया है, वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से के खरीद लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, मॉडल पेपर सॉल्व करें, हमारे साथ क्लासेस तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।